अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। एंड इस वीडियो आपको बताऊंगा कि हमारी जो एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, पाक आइडेंटिटी, उसके अंदर जो है अगर हमें अपनी आईडी क्रिएट करनी हो तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उससे मतलब आईडी क्रिएट करने से होता क्या है। मैं यहाँ पे पहले जो अपने ब्राउज़र पर आ रहता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको आप जो है नादरा की वेबसाइट भी कह सकते हैं, जिसको डील भी जो है नादरा ही कर रहा होता है। और इसमें मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो डिलीवरी होती है वो आपके पास जो है वो घर पर उसकी डिलीवरी हो जाती है, और पेमेंट भी जो है आप उसकी ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको NIC वगैरह क्रिएट करवाना हो या इसके अलावा FRC क्रिएट कराना हो, तो ये सब भी जो है आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको जो अपने CNIC को मॉडिफाई कराना हो या उसमें कोई भी चेंजेस करानी हो, तो वो भी जो है आप यहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अकाउंट किस तरह से क्रिएट होगा हम देख लेते हैं। आप जो है सबसे पहले अगर आपका जो अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ तो आप जो लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे, और अकाउंट क्रिएट नहीं है तो रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये टू स्टेप होते हैं इसमें। पहले स्टेप में जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और सेकंड में फिर जो मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे जो है मैं अभी इसमें टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर में जो है वो अपना जो भी आपका नेटवर्क है आप वो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अपनी ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी आपका जो है वो ईमेल है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड टाइप करेंगे। अच्छा, पासवर्ड जो है वो आपको क्रिएट करना है, तो ये बताता है कि आप का जो पासवर्ड है वो कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो हम एक पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। इसने बता दिया स्ट्रांग है, कि इसमें जो है मैंने अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग और नंबर्स जो है वो तीनों का यूज़ किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोड है ये डालना है हमें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। हम जो है यहाँ पे ये कोड डाल देते हैं, उसका करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, अगर ओके होंगी, आपने सही दी होंगी, तो उसके बाद जो है ये आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखें, ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो ईमेल पे पिन आई होगी या मोबाइल पे जो है वो SMS आया होगा, तो हम जो है उसको चेक कर लेते हैं। ये इसको बैक टू लॉगिन करते हैं, और यहाँ से जो है वो हमें वो सिंपल अपनी आईडी और पासवर्ड देगा। अच्छा, हम जो है आप अपनी ईमेल को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉप पर ही मेरे पास ये इसकी वेरिफिकेशन की आई हुई है, तो हम क्लिक कर देते हैं। सही है, इस तरह से आपके पास जो है वो एक आ जाती है। कंटिन्यू सेशन पर आप क्लिक करेंगे, अब जो है ये आपसे पिन मांग रहा है, पिन कोड आपका ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी करके हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सही है, तो हमारा जो ये सेकंड स्टेप भी कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा जो है ये देना है, इसको हम टाइप कर देते हैं DRN वेरीफाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो गया कि आपकी जो एक्टिवेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। अब जो आपने मतलब जो मैंने ईमेल आईडी थी मेरी वो, और उसके अलावा जो मैंने पासवर्ड रखा था वो डाल के मैं इसमें इंटर हो जाता हूँ। पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपको एक कोड टाइप करना होगा, लॉगिन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया मेरा यहाँ पर, और ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है, इसको आप रीड करके और जो उसको कंटिन्यू एक्सेप्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो आपकी आईडी क्रिएट हो गई है, और इसके जरिए जो है फिर आप वो न्यू एप्लीकेशन वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इसी के बारे में बता रहा था कि आप जो पाक आइडेंटिटी की जो वेबसाइट है उसके अंदर अपनी आईडी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं कि आप जो अगर NIC अपना ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन उसकी सबमिट कराना चाहते हो किस तरह से होगी, तो उस पर जो मैं एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।